क्लासरूम डिसिप्लिन क्लासरूम डिसिप्लिन क्लासरूम मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है क्लासरूम डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट विदाउट क्लासरूम डिसिप्लिन क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल क्लासरूम डिसिप्लिन जो है ये क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट जो है उसको सही तौर के ऊपर करना टीचर्स और स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारियां हैं क्लासरूम के अंदर इनको सही तरह से जांचना क्लासरूम डिसिप्लिन के हिस्से में आता है आइए देखते हैं कि क्लासरूम डिसिप्लिन हम कहते हैं किसको हैं। क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली उसके बुनियादी मकासद हैं कुछ सबसे पहले तो ये देखना है कि क्लासरूम डिसिप्लिन के जरिए स्टूडेंट्स को एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसके अंदर मेंटेन किया जाए ये उस्ताद की जिम्मेदारी है कि क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो लाया जाए और एक सही तरीके के साथ एक सही जो है वो मद में रहकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको यह बताया जाए कि वो सेल्फ़ डिसिप्लिन में कैसे आ सकते हैं इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं और बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स को एक वेल मैनेज्ड पर्सनालिटी के अंदर लेकर आना उस्ताद की जिम्मेदारी है अब सेल्फ डिसिप्लिन टेक्निक्स जो हैं वो क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन बुनियादी तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो लाना सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है वो स्टूडेंट के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने आप को किस तरह सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर लेकर आते हैं जिसके तहत क्लासरूम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलती हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो इसमें जो हैं दीगर चीज़ें जो हैं वो अहम हैं जिसमें सबसे पहले जो है वो ये देखना चाहिए कि हम सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है वो कैसे ला सकते हैं इसके लिए खास ट्रेनिंग की ज़रूरत है और जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिसप्लिन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीकों के साथ लाया जा सकता है और इसमें यह जानना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके बिहेवोरियल ईशूज़ क्या हैं और किस तरह उन बिहेवियरियल ईशूज़ को गाहे बगाहे उनको नोटिस किया जाता है और किस तरह उनको एड्रेस किया जाता है तो डिवेलपमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन क्लासरूम डिसिप्लिन और उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स को करेक्टिंग मिसबिहेवियर जो है उसकी तरफ लेकर आए इसका मतलब यह है कि जहां पर भी स्टूडेंट ने मिसबिहेव किया वहां पर उसकी करेक्शन की गई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए जहां पर एक मिसबिहेव एलिमेंट सामने आता है उसको उसी वक्त एड्रेस किया जाता है वहां पर अगर आपने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की तो वो जो मिसबिहेवियर है वो पससे पुष्ट चला जाता है और स्टूडेंट से भूल जाता है कि, कि किस मिसबिहेवियर का क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है सो ट्राई टू एड्रेस द मिसबिहेवियर देयर एंड देन एंड करेक्शन ऑफ मिसबिहेवियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन टूगेदर क्रिएशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इसके अलावा यह देखना जरूरी है कि प्रिवेंट किया जाए मिसबिहेवियर थ्रू अप्रोप्रिएट क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड अप्रोचेस के बारे में हम तफसी बात कर चुके हैं तो यहां पर सेल्फ डिसिप्लिन और करेक्शन ऑफ मिसबिहेवियर और क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ जो है क्लासरूम मिसबिहेवियर uh, ये सब चीज़ें मिलकर क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो बनाती हैं तो जब हम क्लासरूम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो बेहद अहम हैं मैं फिर दोहराती चलूँ जिसमें क्रिएशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स करेक्शन ऑफ मिसबिहेवियर एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसबिहेवियर थ्रू क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन क्लासरूम डिसिप्लिन इसके अलावा टीचर का क्लास रूम के अंदर जो है वो क्या रवैया होना चाहिए वट शुड बी द टीचर स्टैंड इन द क्लासरूम पहली बात तो ये है कि टीचर को स्टूडेंट्स को यह बताना चाहिए दैट टीचर्स केयर अबाउट दम ये फीलिंग डिवेलप करना बहुत ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट का एक बेहतर रबता पैदा हो देर शुड बी अ गुड रेपो बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर स्टूडेंट्स शुड फील दैट टीचर्स केयर अबाउट दैम ये बहुत ज़रूरी है और इसमें इसमें ऑटोमेटिकली क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो आ जाता है इसके अलावा टीचर्स जो हैं उनको ये याद दहानी करानी जो है ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स को कि उनको मालूम है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा बिहेव कर सकते हैं तो इसलिए उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो बेहतर तरीके के साथ क्लासरूम में अपना रवैया रखें ताकि डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना पेश आए इसके अलावा जो है टीचर जो है उसको अगेन स्टूडेंट को यह याद दहानी करानी पड़ती है कि मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप जो हैं एक बेहतर रवैये के साथ क्लासरूम में जो है वो आएँ और आई वॉन्ट टू डिवेलप इन यू द मेच्योर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ह्यूमन बींग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो टीचर का जो क्लासरूम में स्टैंडस है टीचर का जो क्लासरूम में रवैया है वो बहुत अहम है क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और टीचर को इस चीज़ पर खास तवज्जो देनी चाहिए अगर क्लासरूम डिसिप्लिन जो है उसको क्लास में लेकर आना है